तो आपने खुद पे विचार करना चाहिए, पार्टी के विधायकों पे कोई चीज का एलिगेशन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 2.5 साल में आपने जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया या जिन अलायंस पार्टी के साथ आप रहे हैं उन्होंने उनके साथ जो ट्रीट किया, मुझे लगता है उनका दुखना बराबर। कुछ तो उनका अंदर का मामला है और कुछ आपका हनुमान चालीसा और बजरंग बाण, उसका कितना असर। मैंने तो अभी भी फ्लाइट में बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे, वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए, संकट मोचन ही बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र। आपको लगता है कि बीजेपी मौजूदा हालात से सरकार बना सकती है? सी, मैं ये नहीं बोलती हूँ कौन क्या करेगा कौन क्या नहीं करेगा, पर ये जरूर है अगर एक पार्टी जो 56 साल से पार्टी के लोग लेके चल रही है, सडन ऑफ दोनों भी राज्यसभा और विधान परिषद में इस तरीके से अगर वोट विभाजन होते हैं तो उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उनके अलायंस में या महा विकास अघाड़ी में शिवसेना के एमएलए, हमने तो पहले कहते थे 50% से ज्यादा उनके एमएलए वोट बीजेपी के बाजू में करेंगे, और वो साफ दिखा है 5वीं सीट पे जहां पर विधानसभा में 4-5 वोट भी जहां नहीं थे बीजेपी के पास, उनके पास मेजर आके उनका कैंडिडेट जीत जाता है। तो इससे ये अंदाज लग सकता है कि उनके भी विधायकों को किस बाजू में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनको इंटरेस्ट। सी, मैं यही बोलूंगी संकट मोचन हमारा महाराष्ट्र का संकट दूर करेगा और सबका अच्छा। एक पार्ट तो सिर्फ बाड़ा साहेब ठाकरे जी थे तब तक ही था, अभी कितने पार्ट हुए पता नहीं है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र राजस्थान नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र ही है, इसलिए ये चीजें महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो महाराष्ट्र का नुकसान होते नहीं देख सकते, इसलिए ये चीजें लोगों के सामने विधायक जो रिप्रेजेंट करते हैं महाराष्ट्र को वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र दूसरे राज्यों जैसे नहीं है, उनसे श्रेष्ठ है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और महाराष्ट्र को डूबते हुए पिछले 2.5 सालों से जिसके मुख्यमंत्री हैं वो विधायक देख रहे हैं, इसलिए वो विधायक टूट के आज बाहर निकलने की खुद की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले किससे मिलने वाली है, कहां जाने वाली है, किससे मुलाकात होगी? सी, मेरी तो प्रोफेशनली मीटिंग है और मैं अपने काम से ही आई हूँ, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल दिस थिंग, बट यस मैं अपने काम से यहाँ पर आई। ये जो ऑपरेशन महाराष्ट्र होता हुआ दिख रहा है, क्या उसमें आपकी भी भूमिका? सी, ऑपरेशन तो मुझे लगता है कि जो उनकी महा विकास अघाड़ी के विधायक वो खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने कर्तृत्वों से ही होगा जो होगा। विधान परिषद का रिजल्ट आया है, क्या आपको लगता है कि उद्धव जी को पद पर बने रहना चाहिए या उस पर आप कुछ कहेंगे? मैंने तो पहले दिन से ही ये सब चीजों पे बात की है, बोला है, खुलेआम हर चीज पे डिस्कशन किया है, महाराष्ट्र की स्थिति को लेके, महाराष्ट्र की फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके, एक मुख्यमंत्री, एक मुख्य व्यक्ति जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो 2.5 साल कोई भी जगह पे डिस्ट्रिक्ट में जाता नहीं है या वहाँ की प्रॉब्लम नहीं सुनता है, तो वो महाराष्ट्र की दिशा कहाँ लेके जा रहे हैं? तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री को इस पे सोचना ही चाहिए। शिंदे से कोई बातचीत हुई आप लोगों की? हम लोग शायद किसी के कांटेक्ट में नहीं है, मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र में जो हो रहा है संकट मोचन सब ठीक करेंगे। आपको लगता है शरद पवार जो है सरकार बचा पाएंगे, हमेशा की तरह कहा जाता है? मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मेरे संकट मोचन जी, जिस तरीके से मैं हनुमान चालीसा का पाठन करके आई हूँ, तो जरूर मेरे हनुमान जी संकट मोचन मेरे महाराष्ट्र को बचाएंगे।